तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू ऐड क्लास टाइम टेबल इन कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी इंस्टीट्यूट और कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में जो क्लास टाइम टेबल होता है, जो कोर्स के अकॉर्डिंग टाइम टेबल होता है, उसे क्रिएट कैसे करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में आप एडमिशन, फीस मैनेजमेंट, एकेडमिक्स सब कुछ प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज और मैनेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो आपके कोर्सेस होते हैं उस कोर्सेस के अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, सो दैट स्टूडेंट्स जब अपना लॉगिन करें तो उन्हें पता हो कि उनका क्या टाइम टेबल है, और जब टीचर्स यानी कि जो फैकल्टी हैं आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट में जब वो लॉगिन करें तो उन्हें पता हो कि उनका क्या टाइम टेबल है। तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है आप अपने कोर्सेज के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उन सारी चीजों को प्रॉपर वे में लिस्ट कर सकते हैं। तो ये फीचर भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से हम अपने एडमिन पैनल में चलते हैं। तो यहां पर हमारे पास एडमिन पैनल ओपन होकर के आ गया। जस्ट यूजर नेम पासवर्ड एंटर करेंगे, कैप्चा कोड देंगे और साइन इन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों सब कुछ प्रैक्टिकली देखते हैं, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होगा वो। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सो दैट ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस, लेटेस्ट वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। वैसे आपको पता ही है दोस्तों इस कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में आप फ्रंट ऑफिस, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, फीस कलेक्शन, इनकम, एक्सपेंसेस, अटेंडेंस, एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, लेसन प्लान, एकेडमिक्स, ह्यूमन रिसोर्स, कम्युनिकेशन, डाउनलोड सेंटर, होमवर्क और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें जैसे कि लाइब्रेरी, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल फैसिलिटीज, सर्टिफिकेट, फ्रंट CMS, एलुमनाई और रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ों को आप बहुत ही प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज मैनेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के जो डेटा होते हैं उसको प्रॉपर वे में आप ट्रैक करके रख सकते हैं। तो चलिए अभी हमने बात करनी है कि कैसे हम क्लास टाइम टेबल यानी कि जो कोर्स टाइम टेबल है उसको सॉफ्टवेयर में क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा एकेडमिक्स वाले मेन्यू पे। यहाँ एकेडमिक्स में देखिए दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि सेक्शन, क्लास, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ग्रुप्स, प्रमोट स्टूडेंट्स, असाइन क्लास टीचर, टीचर्स टाइम टेबल और क्लास टाइम टेबल। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम क्लास टाइम टेबल की बात कर रहे हैं, यानी कि जो कोर्सेज होते हैं उस टाइम टेबल की बात कर रहे हैं। तो हमने बस इस क्लास टाइम टेबल पे दोस्तों क्लिक कर लेना है। अभी क्या है ना कि हम जैसे ही क्लास टाइम टेबल पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये विंडो ओपन होकर के आता है, जहां पर बस हमने क्लास यानी कि कोर्स और उसके अकॉर्डिंग सेक्शन डिफाइन करना होता है और उसके बाद हम ऐड कर सकते हैं। तो जो भी क्लास और सेक्शन आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं MBA फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग हमने यहां पे सेक्शन सिलेक्ट कर लिया। अभी हम सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखिए ऑप्शन आ जाएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, यानी कि ये 7 days का पूरा की पूरा ऑप्शन पूरा आपके सामने ओपन हो जाता है। यहां पर आप उसके नीचे देखेंगे तो आपको मिलता है नॉट शेड्यूल्ड, कहने का मतलब है कि अभी हमने कोई क्लास टाइम टेबल नहीं बनाया। जैसे एमबीए फर्स्ट ईयर के अंदर सेक्शन ए में अगर कोई टाइम टेबल अगर हम क्रिएट कर लेंगे वो लिस्ट हमें यहां पर सॉफ्टवेयर में शो हो जाएगा। तो चलिए बहुत इंटरेस्टिंग ये फीचर है सॉफ्टवेयर में। वैसे तो इस कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में सारे फीचर्स हैं, इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने इंस्टीट्यूट और कॉलेज के सारे काम को इस सॉफ्टवेयर में अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से यहां पर आपको ऐड का बटन मिल जाएगा, जस्ट आपको इस ऐड बटन पे क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों ऐड बटन पे हमने जैसे ही क्लिक किया है हमारे सामने ये विंडो ओपन हुआ है जहां पर आपको क्लास, सेक्शन और सब्जेक्ट ग्रुप क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम क्लास सेलेक्ट करते हैं। देखिए आपके कॉलेज में, आपके इंस्टीट्यूट में या आपके यूनिवर्सिटी में ये डिपेंड करते हैं कि आप कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। तो लाइक यहाँ पर मैंने कुछ कोर्सेज लिस्ट किए हुए जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, MBA, डिप्लोमा। तो ऐसे जो भी कोर्सेज होते हैं, जितने भी लिस्ट ऑफ क्लासेस है, वो आप पहले मास्टर सेटिंग कर लेंगे, जो कि ऑलरेडी हमने पहले के वीडियो में आपको बताया, उसके भी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप जरूर चेकआउट करें। तो जो आपने एक बार अपना मास्टर सेटिंग क्रिएट कर लिया उसके अकॉर्डिंग वो सारे के सारे कोर्सेज आपको यहां पर शो हो जाएंगे। तो फिलहाल चलिए मैं यहां पर सेलेक्ट करूंगा MBA फर्स्ट ईयर। तो यहां पर मैंने MBA फर्स्ट ईयर सेलेक्ट कर लिया। अब उसके अकॉर्डिंग हम सेक्शंस यहां पर सेलेक्ट करेंगे। तो फिलहाल चलिए मैंने यहां पर सेक्शन ए के लिए बना रहा हूं। वैसे यहाँ पर एक सिचुएशन ये भी हो सकता है कि अगर MBA फर्स्ट ईयर है और वहाँ पर आपके यहाँ पर सेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यानी कि आप सेक्शन मेंटेन नहीं करते हैं, तो आप वहाँ पर उसे स्किप कर सकते हैं। और अगर आप सेक्शन लाइक मेंटेन करते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर करके, तो आपके सेक्शन में जहाँ पर यहाँ पर ABCD शो हो रहा है वहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर शो होगा। इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ।
हूँ मैं आपको सबसे पहले। तो जैसे ये देखिए मैंने डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट किया, अब इसकी जो सेक्शन है वो देखिए यहाँ पर आ रहा है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको ना डिफाइन करना होगा कि आपके कॉलेज में आपके यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेस ऑर्गेनाइज होते हैं और वो किस किस सेक्शंस में। अगर सेक्शन एबीसी में तो एबीसी डिफाइन करेंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो वो डिफाइन करेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में डिफाइन करते हैं तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। जनरली ज़्यादातर कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर चलता है, वैसे आप मेंटेन कर सकते हैं। या फिर अगर आपके एक ही कोर्स के फर्स्ट ईयर में ही आपने दो तीन सेक्शंस बना रखे हैं तो आपको एबीसी मेंटेन करना पड़ेगा। तो एनीवे मैंने यहाँ पर सेक्शन डिफाइन कर लिया है, क्लास यहाँ पर मैंने एमबीए फर्स्ट ईयर लिया है, सेक्शन ए लिया है, उसके बाद हम सब्जेक्ट ग्रुप पे क्लिक करेंगे। तो देखिए जो सब्जेक्ट आप बनाए रहेंगे वो सब्जेक्ट का लिस्ट आपको आ जाएगा। तो इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया था कि कैसे आप सब्जेक्ट ग्रुप क्रिएट करते हैं। तो हमने यहाँ पर एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का एक ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, तो ये हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। तो मैंने यहाँ पर एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर सेलेक्ट कर लिया और सर्च बटन पे मैं जस्ट क्लिक करूंगा। अब देखिए दोस्तों मैं जैसे ही सर्च बटन पे क्लिक करूंगा यहाँ पर देखिए पूरा शेड्यूल आपके सामने आ गया है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे सब्जेक्ट कौन से आपको असाइन करने हैं, उनका टीचर कौन सा रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगी, टाइमिंग रूम नंबर कौन सा है, सब कुछ आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। और इस तरीके से दोस्तों आपका एक क्लास टाइम टेबल बहुत ही प्रॉपर वे में क्रिएट हो जाएगा। तो मैं एक क्लास टाइम टेबल क्रिएट करता हूँ और इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है क्योंकि आपका पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज हो जाता है, डिजिटलाइज हो जाता है, जहाँ पर आपकी जो फैकल्टी है अगर वो कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को लॉग इन करेंगे और उनको एग्जैक्टली पता है कि येस मेरे को कौन से टाइम पे किस क्लास में मेरे को क्लास लेना है, कौन से क्लास में मुझे लेक्चर देना है, वो आसानी से देख सकते हैं। एट द सेम मोमेंट अगर स्टूडेंट अपना लॉगिन करता है आपके कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में तो वो भी देख सकते हैं कि लाइक मेरे को कौन से क्लास मेरा कौन से टीचर फैकल्टी आने वाले हैं, क्लास की टाइमिंग क्या होने वाली, वो सब कुछ आप यहाँ पर एक बार आपने सेटिंग कर दी और उसके बाद ये सारी चीज़ें प्रॉपर वे में मैनेज हो जाता है। तो है ना ये इंटरेस्टिंग फीचर, चलिए फटाफट से ऐड करते हैं। तो लाइक देखिए अगर मंडे है तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए जो सब्जेक्ट ग्रुप हमने यहाँ पर ऊपर में क्रिएट किया ना एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर, तो हमने सब्जेक्ट ग्रुप के मास्टर सेटिंग में जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स मेंटेन किया था वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर आ जाएगा, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मार्केटिंग मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव मेथड्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ये आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर शो होगा। तो चलिए मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सेलेक्ट कर लिया। इनके टीचर्स के लिस्ट जो होंगे वो आपने जो भी मास्टर में पहले से क्रिएट किया होगा वो सारे लिस्ट आपको यहाँ पर शो होगा। तो चलिए मैंने यहाँ पर टीचर का नेम तनवीर आलम सेलेक्ट कर लिया। टाइमिंग क्या रहेगी, लाइक अगर आपका 9 से स्टार्ट होता है तो आप यहाँ पर देखिए 9 ऐसे इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। ये देखिए 9 AM आ गया, तो ये आपका टाइमिंग है। फ्रॉम टाइमिंग 2 क्या रहेगा, मतलब 9 बजे से कितने बजे तक, तो यहाँ पे 10 बजे तक है, तो यहाँ पर देखिए आप 10 बजे तक इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ये देखिए 9 से 10 क्लास चलेगा। रूम कौन सा है वो आपको मेंटेन कर लेना है, तो रूम है आपका A101, तो यहाँ पर देखिए हमने A101 मेंशन कर दिया। बस उसके बाद आपको ऐड न्यू बटन पर क्लिक करना होता है, तो इस तरीके से एक नया ऐड हो जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो कौन सा होने वाला है, वो होने वाला है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो हम यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट सेलेक्ट करेंगे। टीचर अंकित मिश्रा, तो यहाँ पर देखिए अंकित मिश्रा हमने सेलेक्ट कर लिया। टाइमिंग क्या रहेगी वो हमने इस तरीके से यहाँ पर डिसाइड कर लेना है। यहाँ पर देखिए आप टाइमिंग का आपके पास ऑप्शन है, लाइक जैसे 9 से 10 चल रहा है तो 10 से 11 आप यहाँ पर ले सकते हैं, या फिर 10:15 से तो 10:15 भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं 10:15 कर देता हूँ, तो यहाँ पे ना 10:15 आ जाएगा। तो ये देखिए ये बेसिकली इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे 10:15 to 11:15 है, देखिए इस पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से बस मुझे 11 सेलेक्ट कर लेना है। इस पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से बस मुझे 11:15 सेलेक्ट कर लेना है। रूम नंबर वही रहेगा तो वही 101 ही रहेगा, एज इट इज़ आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और उसके बाद देखिए आपने दो सब्जेक्ट्स ऐड कर लिए, एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मार्केटिंग मैनेजमेंट, टीचर यानी कि जो फैकल्टी है वो आपने डिसाइड कर लिया है, टाइमिंग फ्रॉम कितने से कितने बजे तक क्लास चलेगा, किस रूम नंबर में चल रहा है, तो रूम नंबर ऑलमोस्ट हमारा सेम है तो सेम रखेंगे। कुछ ऐसे क्लासेस होते हैं जिसमें आपके रूम नंबर्स जो होते हैं, जैसे प्रैक्टिकल रूम अलग होता है, थ्योरेटिकल रूम अलग होता है, कोई सेमिनार है, वर्कशॉप है, तो उसके लिए आप अलग से अपना रूम नंबर डिफाइन कर सकते हैं। तो उससे एग्जैक्टली ये भी पता होगा कि मुझे किस रूम नंबर पर जाना है, कौन से क्लास के लिए, स्टूडेंट्स को पता होगा कि मुझे क्लास करने के लिए किस रूम नंबर पर जाना है। तो ये बेसिकली आपके स्टूडेंट्स और फैकल्टी दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसलिए ये फीचर भी आपको सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। एनीवे ऐड न्यू बटन पे फिर से क्लिक करते हैं, कोई दूसरा सब्जेक्ट ऐड करेंगे जैसे कि क्वांटिटेटिव मेथड्स। ये जो हमें पढ़ाएंगे कौन से सर पढ़ाएंगे, अंकिता शर्मा यानी कि मैम पढ़ाएंगी। इनका टाइमिंग क्या रहेगा, 12 से 1, तो ये देखिए 12 से 1 है, तो यहाँ पर आपको ऐसे डालना होगा 12
12 AM से लाइक आपको 12 बजे से 1 बजे तक का या 1:30 तक का क्लास चलता है, तो यहाँ पर हम 1:30 इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं लाइक दिस। ये देखिए 1:30 आप यहाँ पर ऐसे इस तरीके से मेंशन कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि किस तरीके से हमने यहाँ पर मॉर्निंग का जो हमारा टाइम था 9 AM to AM हमने मेंटेन किया है, और यहाँ पर जो हमारा PM वाला टाइम था 1:30 बजे, तो ये देखिए हमने 1:30 बजे यहाँ पर मेंटेन कर लिया। तो ये तीन क्लासेस होंगे, तीनों क्लासेस हमने मेंटेन कर लिया। अब इसी तरीके से अगर नया कोई हमने क्लास मेंटेन करना है, तो बस हम यहाँ पर क्वांटिटी मेथड्स के बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देंगे, और यहाँ पर आपने बस टीचर को सिलेक्ट कर लेना है। एज फॉर एग्जाम्पल तनवीर आलम, टाइमिंग क्या होगी, इनकी टाइमिंग होगी 2 PM to 3 PM, तो यहाँ पे हमने 2 PM इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। इसका जो लाइक सेकेंड सेट देखिए 2 PM कितना आसानी से यहाँ पे क्रिएट हो जा रहा है ना, आप जस्ट 2 PM to 3 PM आपको करना है, आप यहाँ से आसानी से 3 PM भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो फिलहाल ये देखिए हमने 3, और यहाँ पर हमने जो सेकेंड से वो हमने रखना है 0, तो लाइक यहाँ पे 3 PM आ गया, ये देख सकते हैं आप। और बस रूम जो है हमारा 101 है, तो 101 हम इस तरीके से सेव कर लेंगे। बस आपको सेव बटन पे क्लिक करना है, ये देखिए आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। तो ये आपका मंडे का रूटीन हो गया। अब इसी तरीके से ट्यूसडे का क्या रूटीन है वो आपको यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। वेडनेसडे का, थर्सडे का, फ्राइडे का, सैटरडे का, संडे को हॉलीडे है तो आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं, यानी कि आप इसको बिल्कुल ब्लैंक छोड़ सकते हैं और इस तरीके से आप सेव कर सकते हैं। तो ये क्या है कि संडे बिल्कुल आपका ब्लैंक रहेगा। तो मंडे हमने क्रिएट कर लिया। अब ट्यूसडे को अगर आपको क्रिएट करना है, तो चलिए मैं कुछ सब्जेक्ट्स आपको क्रिएट कर देता हूँ। जैसे ट्यूसडे को हमारा सबसे फर्स्ट लेक्चर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होगा, टीचर जो होंगे वो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो टाइमिंग होगी वो हम यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीके से यहाँ से आपका टाइमिंग सेलेक्ट हो जाएगा। रूम हमारा वही है A101, और हमने इस तरीके से ऐड न्यू पर क्लिक कर लेना है। तो देखिए कितने आसान तरीके से हम जो है वो टीचर्स के अकॉर्डिंग इन सारी चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं, और यहाँ पर भी जो आपकी टाइमिंग है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंटेन करेंगे। तो इससे बेनिफिट यही होता है कि आगे चल करके आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आपके क्लासेस में कुछ टाइम टेबल में कुछ चेंजेस होता है, तो बाय द हेल्प ऑफ एडमिन परमिशन आप वो एडमिन के परमिशन से ये सेटिंग्स एडमिन चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग वो सारे के सारे टाइम टेबल रिफ्लेक्ट होते हैं। तो दोस्तों आप समझ ही रहे हैं, जैसे हमने मंडे बनाया वैसे ट्यूसडे में हम क्रिएट करेंगे, और जस्ट हमने सेव बटन पे क्लिक कर लेना होता है। तो आप जैसे ही सेव करते जाएंगे, इस तरीके से आप सारे के सारे टाइम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं मंडे ट्यूसडे सभी में एक एक टाइम टेबल क्रिएट कर देता हूँ, सो दैट कि अगर आप किसी भी दिन टाइम टेबल को शो करेंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा। तो मैं सैम्पल के लिए सारे टाइम टेबल्स को क्रिएट करता हूँ, जो कि बहुत आसान है क्रिएट करना, आप देख ही सकते हैं कितना फास्टली ये क्रिएट हो जाता है। जस्ट आपको यहाँ पर इस तरीके से मेंटेन करना है, और उसके बाद देखिए आपका टाइम टेबल यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगा, और उसके बाद हम सेव कर लेंगे। मैं फिलहाल दूसरे सेक्शंस में एक ही क्लासेस के सब्जेक्ट ऐड कर रहा हूँ, सो दैट कि हम फास्टली ये कर सकें। वैसे दोस्तों आप अपने कॉलेज और अपने इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग इन सारी चीज़ों को मेंटेन करेंगे, सो दैट कि आपका पूरा सिस्टम जो है वो कंप्यूटराइज वे में हो। तो चलिए हमने थर्सडे का भी ऐड कर लिया, यहाँ से फ्राइडे का ऐड करते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट एक लेते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट, टीचर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तनवीर आलम, यहाँ पे टाइम देंगे। और टीचर का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आपको पता है कि जो आप सॉफ्टवेयर में सेट करके रखेंगे वही आपको आएगा, और जो आपको पहले से लिस्ट पहले बना लेनी है अपने टीचर की, फैकल्टी की, उसी के अकॉर्डिंग ये सारा कुछ आपको शो होगा। चलिए अब सैटरडे का अपना टाइम आ रहा है, तो सैटरडे में हम लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, टीचर हमारे अंकित मिश्रा, टाइमिंग जो है दोस्तों 9 है, तो हमने 9 छोड़ दिया, 9:23 to 10:23 जाएगा, तो 10:23 हमने मेंशन कर दिया। रूम कौन सा, A101, और इस तरीके से हम सेव कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमने मंडे से लेके सैटरडे तक का पूरा रिकॉर्ड रेडी कर लिया। संडे का हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, तो जस्ट हम इसे डिलीट करके सेव बटन पे क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप जितने चाहे उतने टाइम टेबल्स क्रिएट कर सकते हो। तो ये तो बात होगी MBA फर्स्ट ईयर का सेक्शन ए का। अब इसी तरह से MBA फर्स्ट ईयर अगर सेक्शन बी है तो आप क्रिएट कर लेंगे। अगर MBA का फर्स्ट ईयर है, सिर्फ फर्स्ट ईयर एक ही है, कोई सेक्शन नहीं होता, तो आप आसानी से क्रिएट करेंगे। अब दूसरे कोर्स की बात करें, जैसे डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस,
तो ये देखिए हमने डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर लिया। अब इसका सेक्शन फर्स्ट ईयर सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट ग्रुप आ गया, तो डिप्लोमा सीएसई फर्स्ट सेमेस्टर का क्या सब्जेक्ट्स है उसके अकॉर्डिंग हम जस्ट सर्च बटन पे क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। अभी एमबीए में क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स आ रहा था, अभी यहाँ पर देखिए डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग इन सी। तो ये आपके अकॉर्डिंग आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक प्रोग्रामिंग इन सी सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर टीचर मैंने तनवीर आलम सेलेक्ट कर लिया। टाइमिंग जो है वो हमने यहाँ पर सेट कर लिया टाइमिंग 2, यानी कि कितने से कितने बजे तक। और यहाँ पर रूम देखिए मैंने दिया यहाँ पे B102, तो ये B102 जो है ये हमारा प्रैक्टिकल रूम है। तो यहाँ पर देखिए हम B102 प्रैक्टिकल रूम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं सो दैट कि जो थ्योरी वाले रूम है वो अलग हो सकते हैं, प्रैक्टिकल वाले अलग हो सकते हैं। इसी तरीके से ऐड न्यू बटन पे जाएंगे, एक और सब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो हमारे टीचर हैं फैकल्टी हैं अंकिता शर्मा है, टाइमिंग इनकी क्या है 11 है, तो यहाँ पर हम देखिए 11 देंगे लाइक दिस 11:25 to 12:25। तो यहाँ पर देखिए हमने 12:25 कर दिया और ये जो है B101 है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे जो हमारा थ्योरी का क्लास है जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर, तो उसके लिए हमने B101 रूम रखा है। जो हमारा प्रैक्टिकल का क्लास है जैसे कि सी प्रोग्रामिंग इन सी, ये हमारा रूम नंबर B102 में। तो हम इस तरीके से ना रूम नंबर डिफाइन करेंगे सो दैट कि जब स्टूडेंट अपना टाइम टेबल देखेगा या फैकल्टी अपना टाइम टेबल देखेंगे तो उनको सारी चीज़ें प्रॉपर वे में शो होंगी। तो इसी तरीके से हमने अपना पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है। चलिए एक सब्जेक्ट और क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग्स, और इसमें जो हमारे फैकल्टी है वो है अंकित मिश्रा। टाइमिंग जो है वो 2 से स्टार्ट होता है, 2 PM से। तो देखिए हमने यहाँ पर 2 PM सेलेक्ट कर लिया है, 2 से 3 तक जाता है तो हम यहाँ पर ऐसे 3 भी सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद हमारा रूम नंबर जो है वो B101 ही है। तो ये देखिए हमने 2 थ्योरी रूम और प्रैक्टिकल रूम क्रिएट कर लिया, बस आपको सेव बटन पर क्लिक कर लेना है। तो ये आप देख ही सकते हैं दोस्तों कितनी आसानी से हमने मंडे का रूटीन सेट कर लिया। अब इसी तरीके से अगर आपको ट्यूसडे का रूटीन सेट करना है, यहाँ पर देखिए मैं कितनी आसानी से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, टीचर सेलेक्ट कर रहा हूँ, टाइम यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद बस आपको रूम देना है जैसे कि B101 और आपको जस्ट सेव बटन पर क्लिक कर लेना है। चलिए इसका भी हम फटाफट से मंडे ट्यूसडे हमने रेडी कर लिया, वेडनेसडे भी रेडी कर लेते हैं, और ऐसे जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो आपको रेडी कर लेना है सो दैट कि आपका एक बार सिस्टम सेटअप हो गया तो उसके बाद सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगी। चलिए हमने इसे भी सेव कर लेते हैं। अब थर्सडे ग्रुप में आएंगे, थर्सडे में भी हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे हमारा फैकल्टी आ जाएगा और यहाँ पे हम टाइमिंग देंगे, टाइमिंग क्या है और टाइमिंग 2 क्या है, मतलब कितने बजे से कितने बजे तक। और उसके बाद फिर से हमने यहाँ पर रूम नंबर सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पर हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे। अभी हमारा फ्राइडे का सेक्शन आ रहा है, यहाँ पर भी हम अपना अलग सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे जैसे कि प्रोग्रामिंग इन सी, टीचर यहाँ पे कौन से हैं, टाइमिंग क्या है वो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, जैसे 10 से स्टार्ट है 11 बजे तक, तो वो 11 हमने यहाँ पर ऐसे सेव कर लेना है। रूम नंबर कौन सा है, B102 प्रैक्टिकल रूम, तो यहाँ पर हम इस तरीके से प्रैक्टिकल रूम मेंशन कर देंगे सो दैट कि जो भी लोग टाइम टेबल देखेंगे उनको आसानी हो समझने में कि उनको किस क्लास में जाना है, किस रूम नंबर पर बैठना है। तो इस तरीके से देखिए हमने एक सैटरडे का भी टाइम टेबल रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे टाइमिंग भी हमने यहाँ पर दे दिया 10 से 11, तो यहाँ पर हमने 11 सेलेक्ट करना होगा। रूम नंबर जो है वो हमारा B102 है और उसके बाद हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि कितने आसान तरीके से हमने ये सारा का सारा स्ट्रक्चर सेटअप कर लिया है। तो चलिए एक बार हम फिर से चलते हैं अपने क्लास टाइम टेबल वाले सेक्शन पे और यहाँ से हम अपना क्लास सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि MBA फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और जस्ट आपको सर्च बटन पर क्लिक करना है। ये देखिए दोस्तों अभी जो हमारा शेड्यूल बिल्कुल ब्लैंक आ रहा था वो आपका देखिए कुछ इस तरीके से आएगा, यानी कि मंडे का देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, टाइमिंग क्या है, रूम नंबर क्या है, फिर दूसरा सब्जेक्ट, फिर थर्ड सब्जेक्ट, फिर फोर्थ सब्जेक्ट। ये देखिए हमने जो मंडे को ऐड किया था, ये जो ट्यूसडे को हमने ऐड किया था वो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, वेडनेसडे को जो हमने ऐड किया था, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को हमने कोई शेड्यूल नहीं बनाया इसलिए ऑफ है। तो ये देखिए दोस्तों कितने आसान तरीके से ना ये आपका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार होकर के आ जाता है टाइम टेबल का। और इसी तरीके से देखिए अभी हमने डिप्लोमा का भी बनाया, तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करते हैं। सेक्शन हमारा यहाँ पर फर्स्ट ईयर का हमने सेलेक्ट किया है, फर्स्ट ईयर पर ऐसे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर भी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे का ये पूरा डिस्प्ले आपके सामने बहुत ही प्रॉपर वे में आता है। और इसी तरीके से अगर आप जैसे सेकेंड ईयर आप सेलेक्ट करेंगे, हमने उसका टाइम टेबल ही क्रिएट नहीं किया है, तो यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक आएगा। तो आई होप कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया, क्यों सही है ना।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम अपना फर्स्ट ईयर ही सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सारे लिस्ट आपको शो हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर मुझे किसी भी टाइम टेबल को डिलीट करना है या फिर मॉडिफाई करना है, ऐसा मे बी सिचुएशन आता है कि आपके इंस्टीट्यूट और कॉलेज में आपने एक बार टाइम टेबल सेट कर दिया लेकिन टाइम टू टाइम आपको वो चेंजेस करना पड़ रहा है, क्लासेस चेंज करने पड़ रहे हैं, क्लास के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो फैकल्टी होते हैं उनको अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये डिस्प्ले होता है कि जो भी लिस्ट हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। आपको जस्ट क्या करना है, डिलीट या मॉडिफाई या एडिट करने के लिए आपको ऐड बटन पे क्लिक करना होगा। और ऐड बटन पे चलिए हम यहाँ पे डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करते हैं, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट ईयर, और यहाँ से देखिए उसके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट्स ग्रुप है वो आ जाएगा हमारा। जैसे डिप्लोमा सीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का हमने बनाया था टाइम टेबल, बस हमने सर्च बटन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही सर्च बटन पे क्लिक करेंगे जो मंडे का हमारा रूटीन है वो हमारे सामने आ गया है। अब यहाँ पर अगर टीचर हमने चेंज करना है, हम ऐसे चेंज करेंगे और यहाँ से सेव कर लेंगे तो ये हमारा ना मॉडिफाई हो सकता है। अगर हमने पूरा की पूरा टाइम टेबल ही डिलीट करना है कि जैसे मुझे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मंडे में नहीं रखना है तो ये देखिए आपको राइट साइड में डिलीट का बटन मिलता है। आप जैसे ही यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि इस कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में आप किसी भी क्लास टाइम टेबल, किसी भी कोर्स टाइम टेबल को बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं जो कि लाइव आपने प्रैक्टिकली देखा, और अगर आप उसे मॉडिफाई करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग बहुत ही आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी कोई इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, कोई कॉलेज रन कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी रन कर रहे हैं, हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर करें, हमारे पास आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। हम आपको एक प्रो लेवल का कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तो देते ही हैं जिसमें आप सारी चीज़ों को बहुत ही प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज और मैनेज कर सकते हैं। सारे ट्यूटोरियल्स, ट्रेनिंग, हम सब कुछ आपको बहुत ही प्रॉपर वे में प्रोवाइड कराते हैं। सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना बहुत आसान हो जाता है और आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ है, जितनी भी मॉड्यूल्स हैं, लाइक वो एडमिशन हो, फीस मैनेजमेंट हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, हॉस्टल फैसिलिटी हो, सारी चीज़ों को आप प्रॉपर वे में ट्रैक करके रख सकते हैं, सारी चीज़ों पर रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करके रख सकते हैं इस कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और हाँ दोस्तों, मे भी ऐसा हो सकता है कि अगर आपका कॉलेज और इंस्टीट्यूट अगर स्मॉल लेवल का है तो वहाँ पर भी आप सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। हम आपको ऑफलाइन सॉफ्टवेयर भी देते हैं जो आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में इंस्टॉल्ड हो जाएगा और वहाँ से भी आप एडमिशन, फीस मैनेजमेंट सब कुछ प्रॉपर वे में ट्रैक कर सकते हैं। और हम स्मार्ट कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तो देते ही देते हैं, इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको वेबसाइट की भी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट के लिए एक प्रो लेवल की वेबसाइट डेवलप करते हैं सो दैट कि आपका कॉलेज और इंस्टीट्यूट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच सके, जो कोर्सेज, जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कराते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और सेकेंड थिंग क्या होता है दोस्तों कि आपका जिस भी एरिया और लोकेशन में कॉलेज होता है, इंस्टीट्यूट होता है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आकर के पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके लोकेशन तक पहुँचे, ये सारी सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। और हमारा सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई क्वेरीज हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, सारे सॉल्यूशन आपके लिए अवेलेबल है। तो दोस्तों, फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ और कम प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।